कातिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साहबजादियों की शहीदी धरती है, इतने लैके सिखा के कातल का तुम क्रीमेशन रॉयल श्री विखे करो, यी बर्दाश्त तो बाहर है। यदा असी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने सिख कौम वालों ये असी विरोध किया भी इतने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका DGP पंजाब इजहार आलम जिन्हों की बीते दिन दिल का दौरा पैण करके मौत हो गई सी, अज उन्हां दी अंतिम इच्छा के अनुसार जिला फतेहगढ़ साहिब विखे पैंदे मुस्लिम समाज के दूजे मक्के रोज़ा शरीफ विखे पूर्ण मुस्लिम रस्मां अते सरकारी सन्मान नाल सपुरदे खाक किया गया। इस मौके पंजाब पुलिस के DGP दिनकर गुप्ता समेत वड्डी गिणती विच प्रशासनिक अधिकारी अते राजनीतिक आगुआं वल्लों सरहंद रोज़ा शरीफ विखे पहुंच के सबका DGP इजहार आलम नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां। जिथे अज एक पासे सबका DGP इजहार आलम नूं कई सियासी अते उच्च अधिकारियों वालों श्रद्धांजलियां दित्तियां गईयां ने, उत्थे ही अकाली दल अमृतसर वालों सबका DGP जेलां इजहार आलम नूं सिख कौम दा कातल दसदे होए इस पवित्र धरती उत्ते सपुरदे खाक करन दा विरोध भी कीता गया। जानकारी दिंदे होए श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दफ्तर इंचार्ज इकबाल सिंह टिवाणा ने दस्या है कि साबका DGP इजहार आलम ने पंजाब दे नौजवानों उत्ते वड्डे पद्धर दा तशद्दुद कीता सी अते कई घरां नूं उजाड़ के रख दिता सी। इस करके अज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वल्लों इजहार आलम नूं इस पवित्र धरती उत्ते सपुरदे खाक करन दा विरोध कीता गया है, जिस नूं देखदे होए पुलिस वल्लों उन्हां दे कई समर्थकां नूं गिरफ्तार भी कीता गया। अज असीं रोज़ा शरीफ विखे जो सिख कौम दे कातल ने इजहार आलम DGP रहे हैं पंजाब दे, उन्होंने बहुत सिख नौजवानी का कतलेआम किया। हुशियारपुर, नवांशहर, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण इन्होंने जिलों के मुंडियां बहुत कतल कतलेआम किया, उसकी अज डैथ हो गई है। बेशक असी किसी की मौत पर कदे खुशी नहीं मनाते, ना सानू यही महाराज ने सानू यही की है, वह अज अकाल चलाना कर गए हैं। पर सानू दुख इस गल का है कि वह मलेरकोटल के रहने वाले ने, तो चंडीगढ़ उन्होंने कोठी है, तो वो जी डेड बॉडी वो इतने लिया के क्रीमेशन कर रहे हैं रोज़ा शरीफ। ये जी पवित्र धरती है सिखा के कातल की, इतने लिया के क्रीमेशन करनी है, यदा विरोध असी भी साड़ी इस धरती से लिया के सिखा का कातल है, ये साहबजादियों की शहीदी धरती है, इतने लिया के सिखा के कातल का तुम क्रीमेशन रोज़ा शरीफ विखे करो, यी बर्दाश्त तो बाहर है। यदा असी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने सिख कौम वालों ये असी विरोध किया भी इतने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नारेबाजी की भी सिख कौम के कातल मुर्दाबाद, वो करना ही जो सा रोस है मन चा, क्योंकि बीते समय में जिन्हें KPS गिल है, नूह इंदिरा गांधी है, बेअंत सिंह है, जिन्होंने भी जनरल दयाल ने जिन्होंने भी कतल किया कतलेआम किया सिख कौम का, वो सिख कौम की एक बैड बुक्स ने, उन्होंने प्रति नफरत और रहनी हमेशा जब तक सिख कौम जींदी है और रहनी है, क्योंकि इन्होंने गलत काम गैर इंसानियत गैर कानूनी काम किए हैं, इन्हों विरुद्ध आवाज़ उठती हो रहनी है। ये सिख कौम के कातल ने तो दुश्मन ने, असी इन्हों के विरुद्ध ये सिंबोलिक तौर पर अज रोस का जाहिर किया। इन्हों असी DC साहब न पुलिस को असी पहला कहा भी इतने ना किया जाए, तो असी यदा विरोध करा, पर उन्होंने जो मिथ्या से करना ही प्रोग्राम। किन्ने बंदे जो राउंड अप किए अज हूँ जो बंदे ने 17-18 बंदे हैं जेडे राउंड अप किए पार्टी के जिले फतेहगढ़ साहब के, क्योंकि एट ए टाइम पता लग्या जे तो कल पता लग जाता, फिर तो असं पंजाब लैवल तू कट्ठा करके हो गला करते, सानू थोड़ा घंटा का पहला पता लग गया, असं वो जाके एक सिंबोलिक रोस किया। असं ये रोस दर्ज करते हैं कि सिखा के जख्मों से लूण ना छिड़किया जाए, जोड़े सिख कौम के कातल हैं उन्होंने उन्होंने प्रति इस तरह सन्मान करने और सिखा चढ़ाने या सिखा के जख्मों से अले जख्मों से लूण छिड़कने बराबर है, ये ना किया जाए, सिख कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्ना साढ़े जे 11 बंदे अज उन्होंने 12 गिरफ़्तार किए हैं, वो साढ़े सिपाही ने कौम के जुझारू ने, असं उन्होंने सलाम करते हैं। सिख कौम अजिहे रोस हमेशा कितने भी होने करते रहेगी। इत्थे जानकारी वास्ते ये भी दस दईए कि इजहार आलम की पत्नी श्रोमणी अकाली दल की सरकार समय विधायक वजो अपन सेवावान भी दे चुकी है। नाल ही ये भी दस दें हाँ कि रोज़ा शरीफ के खलीफा मुहम्मद सादिक रजा ने दसिया है कि सबका DGP जेलां इजहार आलम की आखिरी इच्छा यह सी कि उन्होंने रोज़ा शरीफ की पवित्र धरती उत्ते ही सपुरदे खाक किया जाए। हाँ जी, जैसे कि आप लोग सबको मालूम ही है कि कल हमारे काबिले मोहतरम इजहार आलम साहब सबका DGP पंजाब, उनका इंतकाल हुआ, तो आज उनकी यहाँ तदफीन है। अपने जनाब इजहार आलम साहब नहायत ही यहाँ से बहुत यकीदत रखते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे आफ्टर डेथ यहाँ ला के दफनाया जाए, तो आज उन्हीं की वसीयत के मुताबिक
फिर हम लोगों ने उनको यहाँ इजाज़त दी, यहाँ पर उनको तदफीन की, तो आज इंशाल्लाह 2 बजे जो है उनकी तदफीन की जाएगी। आज बड़ा दुखी दे मौके पर मैं आज इतने अफसोस करन आया सी। मिस्टर मोहम्मद इजहार आलम साढ़े बड़े सीनियर अफसर सन, डी जी पी बन के रिटायर होए, उन्होंने दूसरे स्टेट तो आए सन, लेकिन जो उन्होंने काम किया पंजाब दे विच सूबे की हिफाजत दे लई, सिक्योरिटी लई, सेफ्टी लई और देश दे नैशनल सिक्योरिटी दे लई, वो एक बहुत वड्डी मिसाल है। और उन्होंने बहुत इत्थे काम किया, बड़ी दलेरी नाल काम किया और पंजाब पुलिस नू उन्हां ते बहुत मान है और हमेशा रहेगा। फतेहगढ़ साहिब तो इंद्रप्रीत बख्शी की रिपोर्ट, सुरखाब टीवी।